आइए दोस्तों, हारमोनियम का पहला लेसन, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा निसा, कैसे बजाना है। हारमोनियम की पोजीशन में फिंगरिंग का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, तो आप ध्यान से देखिए दोबारा कि किस तरीके से आपके फिंगर्स हारमोनियम के इस सरगम पर जानी चाहिए। कंधार पे और निषाद पे आपको अंगूठे का प्रयोग करना है और इन तीन स्वरों पर आपकी तीनों उंगलियां आनी चाहिए। देखिए फिर से, जहां से आपने शुरू किया है सा से सा तक वही फिंगर आप प्रयोग करेंगे। लय में बजाएंगे, दो तियानी के थोड़ा तेज करेंगे। कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस लेसन की प्रैक्टिस करें तो आप अपने दिमाग में कोई ताल का विभाग लेकर ही इसका अभ्यास करें। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तबला है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं ताल के साथ इसकी प्रैक्टिस करके आपको बजाकर दिखाता हूं। तो आइए करते हैं ताल के साथ इस अलंकार का अभ्यास, इस सरगम का अभ्यास, इस लेसन का अभ्यास। दुगन का अभ्यास भी कह सकते हैं कि जिस अलंकार को आप बजा रहे हैं उस अलंकार की स्पीड जो है वो पहले से दुगनी है, और कोशिश करें कि इसको आप 4 गुना स्पीड में बजा पाएं। देखिए, लय वही रहेगी, सिर्फ हारमोनियम बजाने की स्पीड बढ़ेगी। सामान्य स्पीड है, जब आप इसको अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के अंदर आपकी स्पीड में फर्क आना शुरू होगा। मैं थोड़ा लय बढ़ाता हूं। हारमोनियम बहुत जल्दी सीखेंगे और कुछ और अलंकार आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप इन मुख्य अलंकारों का अभ्यास करना सीखिए, तो उसके बाद कुछ अलग तरह के अलंकार भी आप बजा पाएंगे।
धन्यवाद।